हैप्पी पहली सालगिरह टू आरी मिलेगी आरी हाय YouTube फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल के न्यू वीडियो न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया हो गए। सो गाइस, अभी सुबह हो चुकी है और हम नहा धो लिया है, हम तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर ग्रीष आ गया मेरा व्लॉग खराब करने के लिए। अभी भाभी घर आ चुकी हैं। भाभी जी कहाँ गई? कहाँ गई भाभी जी? कहाँ गई भाभी जी? ओह, अब हम आईफोन वाले हैं ना। हेलो गाइस, शिजुका के साथ खेल लो मेरी बच्ची। नहीं, आप जब आपके साथ ऐसा हो रहा था, आपने सोचा था कि ये आप फिर घर में आओगे बातचीत? ये किस टॉपिक पे बात हो रही है ये आप ग्रीष भाई साहब के व्लॉग पे देख लोगे। अभी जब सुबह प्रभावी घर आ रही थी तो उनके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ वो आप व्लॉग में देख चुके होगे इस वीडियो से पहले या बाद में देखोगे। मेरा मंगलसूत्र खो गया है, आर्टिफिशियल था लेकिन वो खो गया है, मुझे मिल नहीं रहा। मैंने छत पे भी देखा, मेरे नीचे भी देखा, नहीं मिल रहा। अब सुबह सुबह कहाँ से लेकर आऊँ मंगलसूत्र? असली वाला मैं लेके नहीं आई क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ प्रैंक हुआ था, तो उस चक्कर में मैं रियल वाला लेके नहीं आई, मैं आर्टिफिशियल ही लेके आई थी। तो चलो देखते हैं, अब आगे जो भी होगा, जाएंगे मार्केट तो फिर खरीदूंगी। ये देखिए मम्मा क्या बना रहे हैं। क्या बना रहे हो मम्मा? गोभी के परांठे बना रहे हो? अच्छा, अरे वाह 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 बेटे, मौज कर दी। थोड़ी सी लगाती हूं, थोड़ा ही लगाना चाहिए। कौन सा सेहत के लिए अच्छा होता है? इससे कौन सा कोई एनर्जी मिलने वाली है? मोटापा ही बढ़ता है इससे, ज्यादा लगा के खा ली। वो रहा मसाला, थोड़ी सी जीरा पराठा, यहाँ पे उबल रहा है दूध, यहाँ पे मिक्स वेज है, इसमें मिक्स वेज है जो रात में आई थी मम्मा ने। अच्छा, आप तो कह रहे थे रोटी कम हो जाएगी, दोबारा आटा गूंदना पड़ेगा, बच गई रोटी। देखो मेकअप किट लेके घूम रहा है। अब किसी मेकअप करेगा मेरे को ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहा है? कभी सुंदर लड़की नहीं देखी? अभी यहाँ पर पैकिंग शैकिंग की जा रही है क्योंकि भैया भाभी जा रहे हैं घूमी घूमी करने के लिए जयपुर। ये भी रख लूँ मैं एक? अभी नानी माँ और मैं खा रहे हैं गोभी के पराठे मलाई के साथ। आमो खा पे खा खा बना के खा पे खा। रात की कुछ रोटियाँ बच गई थी, अभी उनको गर्म करके खा रहे हैं हम। जो भी रोटी बच जाती है उसे वेस्ट मत किया करो, गर्म करके इस तरीके से खा लिया करो, और बढ़िया पराठे की तरह एकदम कुरकुरी सी बना के, बड़ा मज़ा आता है खा के। मेरे तो फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये यहाँ पे खाना खाया जा रहा है। ये देखो अभी इन लोगों ने निकलना है घर से, और ग्रीष ने इस समय अभी ब्रश किया है ना ग्रीष? अभी ब्रश किया ना तूने? प्रूफ क्या? कल शाम को हम गए थे भाभी और भैया के लिए एनिवर्सरी का केक देखने के लिए, क्योंकि भाभी और भैया जाने वाले हैं जयपुर, और भाभी ने आना था आज सुबह, तो सुबह सुबह फिर केक की दुकान नहीं खुली होती, इस वजह से हम शाम को ही ले आए थे केक। जो कल का व्लॉग आपने देखा होगा उसमें मैंने आपको बताया नहीं था कि हम कहाँ गए थे, तो अभी मैं बता रही हूँ आपको कि हम शॉप पर गए थे केक लेने। तीन ही पीस है बस। ये या ये? ये वाला ये ठीक है ना? चॉकलेट पीसा, डार्क चॉकलेट की वैरायटी हमें ये वाली पसंद आई है, चॉकलेट का खजाना। खाने का तोड़ के है ना, देन लगे तो वधिया लगे, अंदर जाके तो सारा कुछ मेल्ट ही हो जाना। ये भी वही है बस, ठीक है। ये फ्रिज च रख के मेल्ट होके इतना लग गई ना, तो कोई नहीं, ठीक है। चुच चॉकलेट GPB ग्रीष प्रभ भट्ट। अच्छा, हां रख वापस। केक तैयार है नानी की और मेरी फेवरेट वाली चीज़। जी इतना महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया मम्मी, आज की डेट में सस्ता है क्या? चलो कहा तो बता बस। अरे चाकू तो दिया ही नहीं उसने। हाँ चाकू ही नहीं दिया उसने। हाँ जी, अंदर से दूसरा चाकू ले आओ मम्मा।
यार ध्यान ही नहीं दिया हमने। ये करती है ये हमेशा हमेशा कोई नहीं करती, पहली बार हुआ है पहली बार हुआ है। ले मिल गया सेम जैक को ले देखा, मेरे मेरी माँ नहीं नीचे लगने देती। चलो मम्मी गाओ, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी पहली सालगिरह टू यू, आरी मिलेगी आरी, हैप्पी पहली सालगिरह टू यू ग्रीश प्रभु, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। नानी को नानी के लिखा, नानी के क्या कह रहे हो नानी, किसका बर्थडे है? बर्थडे तो को इन दोनों का तो बर्थडे आज। अच्छा इन दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है, परसों शादी हुई थी इनकी। अच्छा तब जा रहे हैं, तभी तो घूमने जा रहे हैं, परसों के मैरिज 7 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी है इनकी। अच्छा अच्छा टेस्ट कैसा लग रहा है? नानी मैं आ गया, आ गया, चलो चलो हिटो हिटो हिटो। थैंक यू मम्मा। आज फिर नानी उनको सातों दे यार हैं, वहाँ से दे रहा किले खा लिया मैंने आपका मोमबत्तियां बुझाई नहीं है। हे भगवान देखो दोनों कैसे मोमबत्तियां नहीं बुझाई। मम्मी हैप्पी बर्थडे टू यू, नानी को तो फ्रेश कराना है ना। बोलो अम्मा नाच कर दो, दोनों का सालगिरह आज, डांस कर दो, नाचो थोड़ा, डांस कर दो। आय हाय आय नानी बहुत क्यूट है हमारी। हाथ पैरी ली डंडारा जवान शुक्रिया। थैंक यू नानी, मुझे इतनी अच्छी सासू माँ देने के लिए, थैंक यू मम्मी मुझे इतना अच्छा पति देने के लिए। उन्हें बाकी बातें छोड़ो, मुझे कैसे लग रही है? मस्त। अरे थैंक यू थैंक यू, घर में आके खाएंगे वापस कभी। मेरा बीपी कम ज्यादा हो जाता है। तो सबको घर में बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम, मेरी कम होने की क्यों है? तेरी कम नहीं होगी, बढ़ेगी ना, कम होता है। अरे जब छोटा है तो जब हम गए नहीं थे वहाँ घूमने तो ये बीमार नहीं हो गए थे, बीपी लो हुआ था। मेरा भी लो होता है, मेरा भी लो ही होता है, गर्मियों में लो ही। जाते जाते देखिए सिजुका ने पोटी कर दी थी, किसी भी पोटी साफ करना है सिजुका के जाते जाते भी। वाह संस्कारी बेटा जी तेरा। नानी समझा रही है भाभी को कि कभी तुम चलाना थोड़ी रास्ते, तुम चलाना थोड़े रास्ते, ग्रीस चलाएगा आराम से जाना, होली होली गाड़ी चलाना। मास्क लेके आयो, अभी थोड़ी है, सीजू का तैयार हो रही है जाने के लिए, गाड़ी आ गई है घर के बाहर, गिशी लगा हुआ साफ सफाई करने में। मम्मा पानी का मग देना, मम्मी पानी का मग पकड़ाना बाहर को।
यहाँ पे मम्मी सिजुका की ड्रेस धो रही हैं। गाड़ी के आगे निशान पड़ गया जो दिखा रही है भाभी। कहाँ पड़ा? आविता हो गया देखो। ये जो इंसिडेंट हुआ आज सुबह भाभी के साथ वो आपको व्लॉग दिख जाएगा ग्रीश के चैनल पे, उसके निशान है, ये गाड़ी के आगे पड़ गए हैं। गाड़ी के आगे कुछ हुआ है, बैग जा रहा है। छोटा बैग अंदर पड़ा है। ये क्या है? गिल्ली है। अच्छा गिल्ली जी ने तो टांग रखी है अंदर। गाड़ी को ही घर बना रखा है। सफाई अभियान। ठीक है, पापा भी आ गए। बाय बाय पापा। बाय बाय। ठीक है, ख्याल रखना अपना, दवाई लेते रहना टाइम पे है। बाय बाय शिजुका, रोटी रोटी कम करना घर में। बाय बाय। हाय बाय, ध्यान से जाना, खूब एंजॉय करना। ये मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय किशी। भली के जाया। हाँ गई सदानी, हमारी गाड़ी का नाम सरदारनी है। बाय बाय। अभी भैया भाभी गए घूमी शूमी करने के लिए, अब घर में बचे मम्मी नानी माँ मैं और पापा। पापा सो रहे हैं, सिजुका बैठी है नीचे। मम्मी कर रही है सफाई, सुबह साफ सफाई वैसे कर देती हैं, हमने घर में लगाई हुई है साफ सफाई करने वाली, लेकिन फिर भी सिजुका की वजह से पूरा दिन भर घर में ऐसा फैला रहता है ना, मम्मी दिन भर फिर भी सफाई करने में ही रहती हैं। कोई कोई कुछ खास फायदा नहीं है। अभी भी लगी हुई है साफ सफाई करने में। सिजुका पता है आजकल बिल्कुल ऐसे ब्लैक ब्लैक पोटी कर रही है, उसकी पोटी से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। सच में सभी बहुत परेशान है सिजुका को लेके। प्रे करना अभी सिजुका के लिए कि सिजुका फटाफट से ठीक हो जाए। कुच्चू का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, पहुंच गए एयरपोर्ट? अच्छा अच्छा अच्छा, ओला ने छोड़ दिया? अच्छा, जहाँ फ्लाइट है वहाँ पहुँच गए हो? ओके चलो ठीक है, ध्यान से जाना अपना। ठीक है जी, ओके। क्या कर रहे हो माँ? जहाज में बैठ रही हो? जहाज में बैठने लगे हैं, कह रहे बैठ के फोन करूँगा जहाज में, बस पहुँचने मतलब अंदर पहुँच गया है, फिर वगैरह ले रहे हैं। जहाज में आने में? हाँ जहाज में जाएंगे सबके। देखो अम्मा आपको भी नहीं बैठी ना जहाज में? मैं भी एक बार ही बैठी हूँ। चलो देखते हैं, ऐसा कुछ प्लान करेंगे कि आप भी जहाज में जाओगी बैठने। ठीक है, तू बैठ जा। एक वक्त में बैठी हूँ, जब हम घूमने गए थे ना शादी के बाद हनीमून पे, तब हम दोनों विशाखापट्टनम गए थे। कहाँ गया? विशाखापट्टनम। हाँ तो पूछ रहे हैं कि कहाँ गए, बता देना रे। अब मम्मी और आप भी जाओगे हवाई जहाज में बैठ के घूमने? जाओगे, जल्दी जाओगे। सिज्जू काका खाना।
इसमें ज़्यादा दूध नहीं मिला रही क्योंकि फिर दूध ये पूरा बिखरा देती है। दूध इसको अलग से रोंगे में पिलाते हैं हम। नॉर्मली जो पग्स हैं वो फीड खाते हैं, ये दूध और रोटी नहीं खाते, लेकिन इसकी सिजुका की परवरिश ना जहाँ ये पहले थी, जैसे कि आपने व्लॉग देखा ही होगा ग्रीष ने, कि ये हमें मिली थी बहुत बुरी कंडीशन में थी। इसका शुरू से ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है और अभी तो ज़्यादा ही कुछ बीमार हो रही है। तो ये दूध और रोटी खाती है और कुछ फीड वगैरह इसको दो तो ये खाती ही नहीं है। चिजू बेबी, चिजू कड़ी लो खाओ। क्यूट बच्चा मेरा। अभी अम्मा के लिए बिस्तर बिछा दिया है मैंने छत पर। कुटाऊ तो कुटकुनी। अच्छा ये देखो मम्मा ने यहाँ पे ना ये बीजे थे, यहाँ पे पालक और लहसुन बीज रखा है और अम्मा ने कुटाऊ की मदद से ना ये सारा कूट कूट के देखो कितना हरा भरा खेत बना दिया हमारा। अम्मा कह रही है कुटाऊ यहाँ भी रखा है, इसमें बीन नहीं है, ये पकड़ने वाला नहीं है। ये अम्मा की मेहनत देखो, हरे भरे खेत। धनिया भी हुआ है तो धनी से जा। अच्छा ये अच्छा लहसुन भी लगा रखा है। अच्छा जो पहाड़ी लोग हैं वो तो बिल्कुल समझ रहे होंगे कि अम्मा क्या कह रही हैं। अम्मा खेत के बारे में ही बता रही हैं। बहुत मेहनत कर रखी है अम्मा आपने, धन्यवाद। अब हम साग खाएंगे। अम्मा दिखा रही हैं ऐसे गोड़ती हूँ करके। पापा जी भी खाना खा रहे हैं, अभी 12 बजे पापा जी ने जाना है ड्यूटी। अभी भी मम्मी का हाथ प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुआ है, देखो आपको हाथ के उससे ही पता लग रहा होगा, लेकिन फिर भी क्या करें पापा। यो देख पापा को बड़ी चिड़ मचती है भाई साहब। लेकिन फिर भी मम्मी ने पूरा घर संभाल रखा है, वेरी नाइस। ऊपर से पापा और बुड़ बुड़ तुड़ तुड़ करते रहता है 24 घंटे मम्मी के लिए। शिजू का मम्मी के पीछे पीछे घूमी जा रही है। मम्मा तैयार हो गई हैं, मम्मी जा रही हैं पाठ में, बगल में पाठ है वहाँ जा रही हैं। मम्मी तैयार हो गई हैं, सुंदर सुंदर बन गई है मेरी माता श्री। कैसी लग रही है मम्मी बताना कमेंट करके, मम्मी तो हमेशा ही सुंदर लगती हैं वैसे। देखो दरवाजे खुले, देखो कहाँ चलेगी मम्मा। यहाँ गए तो शिजू का देखो मम्मी के पीछे पीछे यहाँ आ गई। नहीं मानोगी, कहाँ कर लियो बाहर, कहाँ कर लियो बाहर, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो आओ, आजो आजो आजो। बाय, भले के जाया हाँ। यहाँ पे चूल्हे पे लंगर बन रहा है, मम्मा करनी है यहाँ पे सेवा। अभी भैया और भाभी चले गए हैं जयपुर के लिए, निकल गए हैं घर से, और पापा भी ड्यूटी के लिए जा चुके हैं, मम्मी पाठ में गए हैं, बगल वाले यहाँ घर में ही सब लेडीज़ मिलके लंगर का खाना बना रही हैं, और अम्मा और मैं छत में बैठे हम धूप सेक रहे हैं। अभी मम्मी अम्मा वहाँ पे खड़े होकर देख रही थी, मम्मी दिख रही हैं बगल में, नहीं दिख रही हैं करके। और वहाँ से अभी कुच्चू का फ़ोन आया, वो भी फ्लाइट में बैठ चुके हैं, निकल गए हैं श्रीनगर के लिए। सभी अपने अपने काम में बिजी हैं अपने अपने तरीके से। तो ठीक है गाइज, फिर फुटेज ज़्यादा लंबी हो जाती है, नहीं तो पूरे दिन की फुटेज आपको दिखाती, फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी मैं व्लॉग एडिट करूँगी जो आज शाम को अपलोड करना है मैंने, उसके साथ ही मैं अभी आपके कमेंट्स की रिप्लाई भी करने वाली हूँ। तो ठीक है, आज की वीडियो आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अम्मा बोलो मेरी नातनी के चैनल को। हाँ। बोलो मेरी नातनी को, सालना को क्या बोलो? हाँ। पता? लाइक लाइक शेयर शेयर सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। अम्मा ने अपनी भाषा में बोल दिया, प्लीज कर दीजिएगा। सासु को सलाम कर दियो। जय जय माला का जी। ये आ आ